टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई के सेंट जोसेफ अनाथालय स्कूल में 22 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इनमें से 12 साल के कम उम्र की 4 बच्चियां भी शामिल हैं। 22 कोरोना संक्रमित मिलने से एक बार फिर लोगों के दिल दिमाग में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा होने लगा है। मुंबई के भाई खल्ला के आगरीपाड़ा में स्थित सेंट जोसेफ स्कूल अनाथालय केवल लड़कियों और महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। बीएमसी की ई वार्ड के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर मनीष वालुंजे के अनुसार 24 अगस्त को अनाथालय में कैंप लगाया गया था, जिसमें कुल 95 लोग, स्टाफ और बच्चियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था और 25 अगस्त को जो रिपोर्ट आई थी उसमें 22 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सेंट जोसेफ अनाथालय स्कूल को सील कर दिया गया और 4 बच्चियां जो 12 साल से कम उम्र की थीं उन्हें मुंबई सेंट्रल के नायर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी के 18 लोगों को भाई खल्ला के रिचर्डसन क्रूडास कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें एक महिला है जो 71 साल की है और ये महिला अनाथालय में किचन का काम करती थी। बहरहाल अब अनाथालय की इमारत को बीएमसी ने सील कर दिया है, मगर वहीं जिस तरह से 22 कोरोना मरीजों की संख्या अब एक बार मिली है, इससे लोगों में काफ़ी तीसरी लहर का भय दिल दिमाग में कर गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।